देखो ये पूछता है क्वेश्चन कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ठीक है, इसके फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, तो क्या बताओगे? जैसे मान लो इसको सेव करती हो, यहां से ये फाइल पे गए और यहां से सेव पे क्लिक करते हैं, तो सेव पे क्लिक करेंगे, इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करूंगा। कहां सेव करूंगा? डेस्कटॉप पे। तो जब डेस्कटॉप पे सेव करूंगा तो वहां से हम ये पता कर सकते हैं कि इसके फाइल की एक्सटेंशन क्या है। ठीक है, कैसे पता चलेगा? जैसे मान लो यहां पे गए, इसको सेव कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो क्या नाम है, नाम लिखो अपना, टाइप करो, एंटर कर दो, डेस्कटॉप पे ये सेव हो गया। ठीक है, अब चल के देखते हैं डेस्कटॉप पे आया है नहीं। तो ये अंशिका नाम से सेव किया तुमने, है ना, तो अब हम देखेंगे कि अंशिका ये जो बना हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, इसके फाइल की एक्सटेंशन क्या है, कैसे पता चलेगा एक्सटेंशन? तो यहां पे राइट क्लिक करो, जैसे राइट क्लिक करोगी तो प्रॉपर्टीज वाली विंडो ओपन हो जाती है राइट क्लिक करने से। अब ये ओपन हो गया, अब यहाँ प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगी तो एक नई विंडो ओपन होगी, यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा आपके फाइल का नाम, क्या नाम दिया था अंशिका, दिख रहा है? यहां पर देख सकती हो कि ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ो तो, चश्मा ले लो अपना, वहां रखा हुआ है, ले लो, फिर से पढ़ो, ठीक है, एक्स एल एस भी होता है और एक्स एल एस एक्स भी होता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर एक्स एल एस है, यानी कि ये एक्सेल की फाइल है। यहां से हम पता कर सकते हैं कि फाइल किसकी है। ठीक है, अलग अलग तरह की फाइल होती है, लाइक पेंट की फाइल है तो कुछ और एक्सटेंशन होगा, एमएस एक्सेल है तो देख ही रही हो, एक्सएलएस या एक्सएलएक्स, एक्सएलएस एक्स है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टूडे फॉर्मूले की जो हम यूज कर रहे थे अभी। तो टूडे क्या करता है, देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जब हम बात करेंगे तो वहां पर नाउ होता है, यहां पर भी नाउ होगा, क्या नाउ फॉर्मूला लगाकर देखो, इज इक्वल टू NOW, है ना। अब टैब बटन प्रेस करो, टैब और ब्रैकेट को क्लोज करो, एंटर करो, तो ये नाउ फॉर्मूला दोनों बताएगा। ये देखो डेट भी बता रहा है, करेंट और टाइम भी बता रहा है, दोनों बता रहा है ना, देख सकती हो। अगर हम यहां पर रिफ्रेश करते हैं या फिर यहाँ पे ये देखो, ये मैंने क्या किया, इसको क्लिक किया, लाइक F5 प्रेस करो एक बार, ये देखो यहाँ पे क्लिक करते ही ये टाइम चेंज हो जा रहा है, 5:13 हो गया। ठीक है, अगर 5:14 होगा तो ऐसे ही अपने आप ये चेंज भी होता रहेगा। तो ये नाउ फॉर्मूला है, करेंट डेट एंड टाइम के लिए जाना जाता है। इसी तरह से टूडे फॉर्मूला हमें मिलता है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू TODAY, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में नहीं मिलेगा, टूडे 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 टूडे, दिस इज एन एरर वैल्यू, सो टूडे TODAY, टैब बटन प्रेस करना है आपको। अब ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, तो आज कौन सा डेट है, रुको, आज कौन सा डेट है, ये देखो 12/7/2021 है, यहाँ पे 12/7/2021 आ रहा है, टुडे समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है ना।